First of all, good morning to everybody. आज हमारे गांव में ये जो आप एक्वाडम एसोसिएशन के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया है उसके लिए आए सभी रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ एक्वाडम एंड अदर पर्सन विच कम फ्रॉम वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ. यहाँ हमारे यहाँ एक्वाडम ने जो इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो काम शुरू किया उससे पहले हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी. उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ जो काम किया वो बहुत ही अच्छा है और मैं इसके लिए एक्वाडम संस्था का बहुत ही आभारी हूँ. हमारे गांव की तरफ से मैं उनकी बहुत ही आभारी हूँ. तो पहले उन्होंने क्या किया कि हमें ग्राउंड वाटर के बारे में जानकारी दी कि ग्राउंड वाटर लेवल क्या है और हम इनपुट क्या है और हम आउटपुट इनपुट आउटपुट प्रेशर इसके बारे में उन्होंने हमें बताया. इन द ईयर 2000 आउटपुट ज्यादा है, इसका मतलब पानी जमीन के अंदर पानी कम है और हम ज्यादा निकलते हैं. तो इसके लिए क्या मैनेजमेंट करनी चाहिए इसके बारे में हमें एक्वाडम ने बहुत ही अच्छी गाइडेंस दिया, जिसके अंतर्गत इंद्रजमन प्रोजेक्ट ने वो चेंजेस लगवाए कि गांव के बाहर जो जमीन है वहां पर चेंजेस लगवाए कि जिसके कारण पानी बेहतर मिल जाता. इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और उन्होंने यहाँ पर वेदर स्टेशन लगवाया. वेदर स्टेशन का फायदा ये हुआ कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रेनफॉल इन द रेनी सीजन ऑफ ईच डे ऑफ रेनफॉल. वी कैन कैलकुलेट हियर वेपराइजेशन रेट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, हाउ मच ह्यूमिडिटी इन द एयर दैट वुड गेट आल्सो नो फ्रॉम द वेदर स्टेशन. और इसका फायदा ये हुआ कि अगर एटमोसफेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो हमारे किसान वो देख के अगर आज के दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो हमारे क्रॉप मैनेजमेंट यानी कि प्रॉपर मेडिसिन प्रिकॉशन कि हमारे जो खेत है हमारे जो क्रॉप है वो अच्छे रहे इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए ये उन्हें पहले ही पता चलता है. और इस तरह वो उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और इस तरह से उन्होंने उनका शेड्यूल तय किया कि हमें कौन सा वेजिटेबल का कौन सा क्रॉप लेना है इसका इसके बारे में से भी जानकारी वेदर स्टेशन के कारण हमें मिली. और एक्वाफर स्टडी किया एक्वाफर स्टडी जो किया वो उसके उन्होंने थ्री पार्ट किए कि अभाव गांव के बाहर कि कौन से रॉक स्टडी किया कौन से पत्थर में ज्यादा देर तक पानी ठहर सकता है इसके बारे में हमें जानकारी दी. और इसका फायदा यही हुआ कि हमें जहाँ पर वाटर लेवल ज्यादा देर तक रह सकती है जहाँ जिसमें पानी ज्यादा देर तक रह सकता है उधर हमें वो सीमेंट के वॉल जो है हम उसे बंधारे कहते हैं हमने वहीं पर वो वाटर सीमेंट के वॉल्स लगवाए ताकि उस जगह पर ज्यादा देर तक पानी टिका रह सके. ये फायदा हमें इसके कारण हुआ. अभी वाटर क्वालिटी के बारे में बताया तो एज ए हेल्थी योर प्रोफेशन हमने एक्वाडम ने क्या किया कि हमारे जहाँ जो कुएं हैं वो सभी का मेजरमेंट किया उसका वाटर लेवल चेक किया और वाटर टेस्ट किया. हमारे यहाँ दो बोरवेल है वो अंदर जिला परिषद के हैं तो उस सभी का वाटर टेस्ट किया और हमें जानकारी दी कि कौन सा पानी पीने के लिए अच्छा है और कौन सा पीने के लिए अच्छा नहीं. हमें पहले पता था लेकिन उसे साइंटिफिक कोई भी प्रूफ नहीं था लेकिन एक्वाडम ने हमें कौन से मिनरल्स कितने परसेंट है इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी. और एज मुझे ये पता है कि अगर हमें सभी को स्वच्छ और शुद्ध पानी पीना चाहिए इफ देयर आर मोर मिनरल्स इन द वाटर वी कॉज मेनी डिसीजेस लाइक द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीजेस और देयर इज ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ बोन्स और देयर इज स्टेरिलिटी दिस ऑल प्रोड्यूस ड्यू टू द मोर मिनरल्स इन द वाटर. एक्वाडम गिव्स अस इंफॉर्मेशन दैट आप जो बोरवेल है उन्होंने जो टेस्ट किया उसमें जो बोरवेल का पानी है उसमें ज्यादा मिनरल्स थे तो हम वो बोरवेल पीने के लिए यूज नहीं करते. इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना डीप जाएंगे जितना ज्यादा डीप जाएंगे उतना उस पानी में ज्यादा मिनरल्स होंगे. इसलिए हमारे गाँव में पहले से ही ये तय किया था कि हम कोई भी बोरवेल नहीं लेंगे लेकिन अभी ये हमें 100% हम ये लोगों को बता सकते हैं कि हमारे पास ये साइंटिफिक प्रूफ है कि हम बोरवेल क्यों नहीं लेंगे. तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा फायदा हुआ. और हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल एक्वाडम ने हमें टोटल
ट्रैफिकल डिप्रेडेशन या रेनफॉल के या डिप्रेडेशन का जो हमारे रंडोलाबाद में पहले कभी नहीं हुआ था. हमारे इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि हमें इतनी अच्छी जानकारी हमारे गांव के बारे में मिल रही है. ऐसा बहुत ही